السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها सबसे पहले तो मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि परसों हमारे दो मुआविन हमसे जो करते हैं साथ देते हैं हमारा हमारे महाफिल में, तो ये दोनों मुआविनीन जनाब इनाम मोहम्मद इनामुल हक साहब के इख्तिसार के साथ पैरा भाई यानी रुकू ब रुकू तर्जुमा जो हुआ, जिसके बड़े शायाना शान तरीक़े पर इजराई अमल में आई थी, उसके बाद परसों जो है तर्जुमा डॉक्टर हमारे शमशाद हुसैन साहब, ये दोनों मावनीन की जानिब से दोनों मावनीन की खिदमत में एक तहनियत की तकरीब हुई। माशाल्लाह से उसमें 20 नुमाइंदे शरीक रहे और तंजीमों की जानिब से उनकी गुलपोशी की गई और हमारी हिम्मत अफजाई इस तरह से भी हुई कि उर्दू अखबारात ने उनको बड़े ही नुमाया तौर पर शाया किया इनकी खिदमात की खबर करते हुए। तो परसों जो पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो है इसका एक कैसेट है, सीडी है इसका, जो हम इनामुल हक साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। दे दो। आज हमारे दरमियान शहर की एक मारूफ शख्सियत जनाब इकबाल अहमद इंजीनियर तशरीफ़ फरमा है और एलामिया नंबर 434 का दूसरा आइटम वो खुदा कौन है के उनवान से हमें मुखातिब कर रहे हैं। ये बात तो आप सब पर वाज़े है कि हम हमेशा से उन्वान मुखर्रिर के इख्तियार तमीज़ी पे छोड़ देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो हालात हाजरा की नफ्स पे हाथ रखे हुए होते हैं, तो इस वजह से ऐसे अहम उन्वानात जिसकी क़दरदानी आपकी सहाफ़त भी करती है और फिर अखबारात में उनके अख्तबास तकारीर के शाया होते हैं। और अगले जो कुछ भी इसमें प्रोग्राम हैं उसमें ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हुकूक़ व फ़राइज़ शरीयत की मीज़ान में प्रोफेसर सैयद राशिद नज़ीम नदवी
पीर के दिन यानी कल ही परसों शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 447वीं रिशिस को मुखातिब कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि तारीख इस्लाम की आज 555वीं रिशिस मुनक़िद हो रही है। इसी तरह इसको भी आप जहन में रखें कि हमारा चारशंबे का खिताब जो है वो डॉक्टर फ़ख्र आलम आज़मी का है, जो शायद एक साल बाद हमें मुखातिब कर रहे हैं। इकबालियात के बड़े स्कॉलर हैं और यूपी की यूनिवर्सिटी में शायद ये मुतय्यन हैं। फिलवक्त जो है वो एक साल के बाद हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और उनका खिताब गैरमामूली होता है। यास व खून का इलाज कलाम इकबाल की रोशनी में चारशंबे के दिन है, इसको मत मस कीजिए। अब मैं पहले ये ऐलान करना चाहूँगा कि हमारे हाफिज़ क़ारी अबुल हसन साहब की क़िरात कलाम पाक से आज की इस महफिल का इब्तिदा हुआ और आज जो अभी कलमात इफ्तिताहिया आपके सामने पेश किए गए वो मेरे यानी खादिम महफिल ग़ुलाम यज़दानी के थे। अब जो है मैं आज के फाजिल मुखर्जी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस अहम उनवान पर वो हमें मुखातिब फरमाएँ। अल्लाह रसूल करीम रब्बी शरली सदी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ग़ुलाम यज़दानी साहब और शुरकाए महफिल, मैंने ये उनवान वो खुदा कौन है इसलिए लिया है कि सबसे बड़ा मसला आज के दुनिया का यही है कि खुदा की पहचान हो। अगर मैं ये कहूँ कि हर इंसान पैदाइश के बाद जिसकी तलाश करता है वो उसका खालिक, उसका खुदा, फितरी तौर पर ये बात हर इंसान के इंसान में वदियत कर दी गई है कि वो अपने खालिक की तलाश करे। और इस इंसानी ज़िंदगी की आजमाइश भी यही है, अगर वो अपने खालिक को सही पहचानता है तो ज़िंदगी कामयाब, अगर वो नहीं पहचानता है तो ज़िंदगी नाकाम। चाहे इस दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे पर कायम हो या दुनिया के वसाइल व ज़राए उसको मैसर हो, दुनिया में बड़ा नेक नाम हो, हर तरफ उसकी कुव्वत का बोलबाला हो, हर तरफ उसकी लोग वाहवा करते हों, मगर वो खुदा के पहचानने में इनकार कर गया या खुदा के पहचानने में नाकाम हुआ तो दुनिया की ज़िंदगी उसके कोई काम आने वाली नहीं है। अगर वो खुदा को पहचान लिया उसके बाद दुनिया की खुशियाँ उसको कोई मैसर नहीं है, वो हर मामले में बेसर व सामान की ज़िंदगी गुजार रहा है, हर जगह उसको तकलीफ़ें मिल रही हैं, हर जगह वो बेबस है, ना तो खाना ही मैसर है ना तो इख्तदार ही मैसर है, दुनिया की नज़रों में इंतहाई जो है गरीब तरीन इंसान है जिसकी रोज़मर्रा के गुजर बसर के लिए भी उसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है, ना उसके पास अच्छा लिबास है, ना उसके पास कोई अच्छा घर है, ना उसकी ज़िंदगी को ऐसी है जिसको आज की दुनिया की ज़िंदगी को कोई नमूना बना सके, मगर वो खुदा को पहचानता है तो यकीन मानिए वो सब लोगों से ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि उसने असल में जो ज़िंदगी की आजमाइश है उसको उसने समझ लिया, अल्लाह को पहचान लिया। और ज़िंदगी के वसाइल बराए तकदीर जो उसकी तकदीर में है उस पर उसने सब्र कर लिया, उस अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसको ज़िंदगी दी, उसकी नाफरमानी नहीं की, उससे कुफ्र नहीं किया, हर बात में उसका शाकिर बंदा बना रहा और जो कुछ भी सांस लेने की मोहलत उसको मिली उसकी हर सांस में उसका शुक्र शामिल रहा तो बड़ा कामयाब रहा। तो वो खुदा कौन है, दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो खुदा कौन है,
ये सबसे अहम सवाल हमारे सामने आता है। दो तरीके हैं इसको पहचानने के जो दुनिया आज समझती है। एक तो ये कि मजहबी असास पर खुदा को ढूंढा जाए। अगर कोई मजहबी किताबें हैं, अगर मजहब है तो मजहबी किताबों से खुदा को पहचानने की कोशिश की जाए कि खुदा कौन है। मजहब का मतलब ये कि उसकी एक किताब हो और किताब का लाने वाला हो। अगर किताब है, किताब के लाने वाला ना हो तो वो मजहब कहलाए नहीं जा सकता। मजहब मजाहिब की दुनिया में कोई दावा करता है पैगंबरी का या कोई दावा करता है खुदा के करीब होने का, उसके पास कोई किताब नहीं है तो वो भी पहचाना नहीं जाएगा। दोनों लाजिम मलजूम है, खुदा किताब भी हो, खुदा किताब के लाने वाला भी हो, यानी किसी ने उसको किताब दी हो। और किताब का देने वाला कौन है? किताब का देने वाला वही है जिसको हम खुदा कहते हैं। ये पहला तरीक़ेकार। दूसरा तरीक़ेकार के साइंस की दुनिया में जाएं और साइंस की दुनिया मादे को ही हर चीज़ समझे और खुदा का अक्सर इनकार कर दे कि खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। ये हर चीज़ जो है ना खुद ब खुद वजूद में आती है, खुद ब खुद तरक्की करती है, खुद ब खुद फना हो जाती है। मादा हमेशा से एक चीज़ था और रहा है। मादे की जिंदगी कहाँ से है, किसकी, उसकी कोई दलील उनके पास नहीं। मादा इब्तदा से है, उनसे दलील पूछी जाए कि मादे की इब्तदा कहाँ से, उनके पास कोई दलील नहीं है। उन्होंने कहा कि मादा इब्तदा से। मगर खुदा के बंदे ये तो बता के मादे की इब्तदा कहाँ से हुई, वो बताने के खाइल नहीं है। आप मफरूजा है उनका कि मादा इब्तदा से इब्तदा और आखिर तक रहेगा। एक तरीका ये, ये दो तरीक़ों से, एक तो खुदा की पहचान है या खुदा का इनकार। अब किताबों के सिलसिले में आए हम बहसियत मुसलमान, हम अपनी किताब की बात करेंगे, उसके बाद उसी किताब के हवाले से दूसरी जो किताबें भेजी गई उनमें क्या जिक्र है उसकी बात करेंगे। कसौटी तो हमारी अपनी किताब होगी कि हमारी किताब में क्या लिखा है और किसने कहा। क्या खुदा की शहादत किसी दूसरे ने दी है तो वो चीज़ तो मालूम, वो चीज़ तो समझ में नहीं आती। खुदा की शहादत खुदा खुद दे तो बात बनेगी, क्योंकि शहादत किसकी ली जाती है? जो इल्म रखने वाला हो, जो जानता हो, जो माजी से भी वाकिफ हो, जो हाल से भी वाकिफ हो और जो मुस्तकबिल से भी वाकिफ हो क्या होने वाला है, तो उसी की शहादत ली जाएगी ना। अदालत में किसी गवाह को बुलाया जाए तो कुरान की कसम या बाइबल की कसम या गीता की कसम रखकर उससे सवाल करते हैं, इसकी कसम खाकर कहे जो कुछ तू कहेगा सच कहेगा। मतलब ये कि जो वाकई की शहादत ली जा रही, हम ये तसव्वुर करते हैं कि उसका इल्म उसके पास है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसे हमें नहीं मालूम। मगर छू के एक उसूल है, लाइफ एविडेंस है, हम उसका सबूत के तौर पर वो जिस पर ईमान रखता है उसकी शहादत लेते हैं इंसानी दुनिया में। पता नहीं वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कई शहादतें बाद में झूठी भी साबित हो जाती। मगर शहादत देने वाला ऐसा हो जिसके झूठ बोलने का गुमान ही ना हो, जिसके इल्म के ताल्लुक से सवाल ही ना पैदा होता हो, जिसकी ताकत का अंदाजा ही कोई नहीं कर सकता, जिसकी कुदरत बिल्कुल अजीब सी कुदरत है जिसको समझा नहीं जा सकता, जो जमानों का रब है, रब्बुल आलमीन है, खालिक़े कायनात है, कितनी कायनातें हैं नहीं मालूम। जब वो खुद गवाही देता है कि मैं अल्लाह हूं तो उसके बाद की गवाही की क्या जरूरत है। इसीलिए हर किताब में, जो भी किताबें आई हैं दुनिया में, 313 किताबें आई हैं जिनमें से हमको 4 या 5 का इल्म है जो जिक्र किया गया है, बाकी किताबों का हमें इल्म नहीं है। आई होंगी 313 आने का हमको ईमान है, यकीन है इस पर,
कि 313 किताबें दुनिया में आई, 313 रसूल आए, मगर वो रसूल क्या थे हमें नहीं मालूम। हमें हमारे पास जानने का जरिया ये कि कुरान मजीद है, उसके अलावा कोई जानने का जरिया हमारे पास नहीं। कुरान में जो बात कही जाएगी उसी का हम यकीन करेंगे और कोई दूसरा यकीन नहीं कर सकते। अखली तौर पर ये कह सकते कि शायद ऐसा हो, मगर यकीन के तौर पर नहीं कह सकते कि यही होगी। अगर कोई ऐसी बात को ऐसी कलमे सवा आता हो, कोई ऐसी बात आती है जो कुरान से मुमासिलत रखती हो, हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाई यही बात कुरान से मुमासिलत ज़रूर रखती है, हम ये कह सकते हैं। मगर ये कि कुरान ये हक है, ये बोलने का हमको हक नहीं है, उससे बात की इब्तिदा कर सकते हैं। तो एक आयत मैंने चुनी है आल इमरान की 18वीं आयत, इसके चुनने में मकसद भी पोशीदा है, बेमकसद मैंने 4 कुरान की आयतें चुनी, उसके पीछे हर आयत के पीछे एक मकसद छुपा हुआ है। यह आयत यह है, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। सूरह इमरान की 18वीं आयत, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ने खुद इस बात की शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं। अल्लाह ने खुद इस बात की शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं। फरिश्ते और सब अहले इल्म, रास्ती और इंसाफ के साथ, रास्ती और इंसाफ के साथ, बेझिझक अदल के साथ इस पर गवाह हैं। मलाइका भी गवाह हैं, अहले इल्म भी गवाह हैं कि उस जबरदस्त हकीम के सिवा फिल वाकई कोई खुदा नहीं है। आयत का मैंने जब रेफरेंस लिया तो इसके पीछे इस्लाम की तारीख ये है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में इस आयत की तिलावत की, और तिलावत करने के बाद खुद भी गवाही दी। क्या कहा? इब्ने हातिम के मसनद अहमद में है, वना अला ज़ालिका मिन अश्शाहिदीन या रब्बी, 124,000 सहाबा का मजमुआ है। इस आयत को जैसे मैंने पढ़ा, उस आयत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, और मैदान अरफात में आयत को पढ़ने के बाद मसनद अहमद की रिवायत से कहा, वना अला ज़ालिका मिन अश्शाहिदीन या रब्बी, और इस आयत के ऊपर मैं गवाही देने वालों में से है या मेरे रब। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, मैं भी गवाही देने वाले में, क्योंकि वो जिसमें लिखा गया है कि फरिश्ते और सब अहले इल्म भी रास्ती और इंसाफ के साथ इस पर गवाह हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को भी इसमें शामिल कर लिया, मैं भी गवाह हूं कि तू ही रब है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इब्न हबी हातिम की रिवायत है कि उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वना अशहद अय्या रब्बी, मैं गवाही देता हूं ऐ मेरे रब, मैं गवाही देता हूं कि मैंने जो आयत पढ़ी है इसकी गवाही देने वालों में भी मैं हूं। तो इसकी अहमियत का अंदाजा होता है कि अल्लाह की गवाही के बाद किसी बंदे को यह हक नहीं पहुंचता कि उसकी गवाही को रद्द करे या उस गवाही में मुगालिता हो, गवाही पे शक हो, कोई मुगालता नहीं कर सकता। इस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के तरीके बता दिया। इब्ने कसीर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मरवी है, जिसमें लिखा गया है सारी उम्मत को यह खुशखबरी दी गई है कि इसके पढ़ने वाले को कियामत के दिन लाया जाएगा, इस आयत को पढ़ने वाले को जिसने गवाही दी लाया जाएगा, और अल्लाह अज़्ज़ज़ल फरमाएगा
मेरे इस बंदे से, इस बंदे ने मेरा अहद लिया है, मेरे इस बंदे ने मेरा अहद लिया है, मैं अहद को पूरा करने में सबसे अफजल वो आला हूं, मैं इस अहद को पूरा करने में अफजल आला हूं। मेरी यानी मैंने मुझसे जो कसम ली गई है, मेरे से अच्छा कौन कसम को पूरा करेगा। और फिर फरिश्तों से कहा जाएगा इस बंदे को जन्नत में ले जाओ। ये अल्लाह की गवाही, यानी खुदा खुद गवाही दे कि मैं खुदा हूं। इस पर एतराज करने की गुंजाइश कुरान ने नहीं दी। दूसरी आयत मैंने जो चुनी है वो सूरह बकरा की 163वीं आयत, वो इसमें है कि वो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अक्सर हम पढ़ते, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा खुदा सिर्फ एक ही खुदा है, वो रहमान और रहीम के अलावा कोई खुदा नहीं, उस रहमान और रहीम के अलावा कोई खुदा नहीं है। यानी उसका कोई शरीक नहीं, उस जैसा कोई नहीं, वो वाहद है, अहद है, समद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो रहमान और रहीम है। मैंने ये आयत को क्यों चुना, उसके पीछे भी एक वजह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को और एक दूसरी आयत जो सूरह इमरान की पहली आयत है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयत और ये दो आयत, ये आयत दो आयतों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें आजम इन दो आयतों में। इसमें आजम से मुराद अल्लाह का वो बड़ा नाम जिसको लेकर आप दुआ करें तो दुआ रद्द नहीं होगी। दुआ की कबूलियत की गारंटी। और इसमें आजम होने के हवाले अबू दाऊद किताबुस्सला हदीस नंबर 1496, तिर्मिजी किताबुद्दावा हदीस नंबर 3478, इब्ने माजा हदीस नंबर 3855, इसमें आजम होने की ये हदीसें इसमें मौजूद हैं। ये दूसरी आयत मैंने चुनी। और एक तीसरी आयत मैंने जो चुनी है वो है सूरह नहल की दूसरी आयत। इसमें जो बताया गया कि खुदा तो मैं हूं, मैं कह रहा हूं, मगर तुम तक कैसे पहुंचे, तुम तक कैसा पहुंचाया जाता है। मैं तो ऐलान कर रहा हूं कि मैं खुदा हूं, मगर तुम तक पहुंचाने का जरिया क्या है। खड़े रह के मैं चीखूंगा तो नहीं आसमान से कि सारी दुनिया सुन ले, ऐसा तो कोई तरीका नहीं इख्तियार किया गया, क्योंकि दुनिया आजमाइश की जगह। अकल और शऊर दिया गया तुमको, तुम्हारी आजमाइश इसी में कि तुम अल्लाह को पहचानो, ये पहुंचाने का तरीका क्या है। पहुंचाने का तरीका बताया गया क्या है, युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़ुरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला इन अना फत्तकूनी। अब तरीका क्या बता दिया गया, उस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइके के जरिए नाजिल फरमाता है, यानी रूह है नबुव्वत का तस्करा। मुझे जानना है तो नबी जो बात कहें मैं जिस पर रूह है नबुव्वत नाजिल कर दूं, जिस बंदे को चाहूं चुन लूं, अपना पैगंबर बना दूं और उसके जरिए से कलाम तुम तक पहुंचा दूं, उसके जरिए से कलाम तुम तक पहुंचा दूं। मैं राज तुमसे बात नहीं करता, राज तुमसे बात करूंगा तो गायब खत्म हो गया। आजमाइश काहे की है, आजमाइश काहे की है,
आजमाइश तो ये कि खुदा नजर ना आए, खुदा पे यकीन हो। जब गायब हाजिर हो गया तो आजमाइश क्या है कि आजमाइश तो गायब की है, खुदा मौजूद नहीं, यकीन करो खुदा एक है। हजार लोगों को खुदा बनाते हो जबकि मज़ाहिर कुदरत तो ये कहते हैं कि खुदा है। आजमाइश तो इसकी है, अगर मैं जाहिर हो जाऊं तो फिर आजमाइश काहे की रहेगी। तुम ही में से चंद आदमियों को जिनको मैं चाहता हूं, जिसको चाह मैंने चुन लिया, उस पर रूह है नबुवत नाजिल फरमा दी, मेरा कलाम उस पर नाजिल फरमा दिया कि मैं खुदा हूं, यह चीज जाकर तुम लोगों को बताओ, ये चीज जाकर तुम लोगों को बताओ कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, लिहाजा तुम मुझसे डरो, इसलिए डरो कि सारे इख्तियारात मेरे पास, तुम्हारी जिंदगी मेरी, तुम्हारी मौत मेरी, तुम मेरी दुनिया में हो, दुनिया से बाहर जा नहीं सकते, एक एक सांस जो ले रहे हो मेरा मेरी दी हुई है, आंख मेरी दी हुई, कान मेरे दीवे, जिस्म का हर हिस्सा मेरा दिया हुआ है, जो तुम खाते हो मैंने दिया है, सोना जागना मेरी तरफ से, तुम अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं हिला सकते, गो कि तुम समझते हो कि हाथ हिलाते हो, मगर उन लोगों को देख लो जिनके हाथ हिल नहीं सकते, उन लोगों को देखो जिनको आंखें नहीं है, उन लोगों को देखो जिनको कान नहीं है, उन इंसानों को देखो जो चलने के लिए तरसते हैं जिनके पैर नहीं है, ये मिसालें क्या तुम्हारे सामने नहीं है? क्यों उनको इबरत के लिए रखा गया? मुझे पहचानने के लिए, मुझे पहचानने के लिए। तो अल्लाह ने शहादत दी मैं एक हूं, तरीका क्या बताया नबुवत का, नबुवत के जरिए बता दिया गया कि एक पैगंबर होंगे जो ये मेरी बात तुम तक पहुंचाएंगे, तुम मुझे जान लो। अगर ये इस्लाम के लिए ही होता तो सारी दुनिया ये कहती कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया होगा, मुसलमान इस पे यकीन करते हैं, करने दो, अल्लाह एक है कुरान में लिखा है और कुरान ने वही के जरिए नबी को बता दिया है, ये मुसलमानों का मामला है, इस्लाम का मामला है, मुसलमान करते होंगे, करने दो, हमें क्या करना है, हमारे पास तो कोई चीज आई नहीं है ऐसी, फिर हमें किस गिरफ्त में पकड़ेगा अल्लाह, हमारे पकड़ने की क्या वजूहात होंगी, क्योंकि हमारे पास तो मोहम्मद नहीं आए, मोहम्मद तो मुसलमानों के नबी है, हालांकि नहीं है ऐसे, मोहम्मद तो रहमतुल्लाह अलालमीन है, किताब भी मुसलमानों की नहीं है, सब इंसानों की किताब। अब कुरान की एक आयत इस सवाल को खत्म करने के लिए मैंने चुनी है, वो है देखिए सूरह अंबिया की एक आयत जिसमें साफ साफ कह दिया गया وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي। अब मतलब साफ हो गया, ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं रही बात, कुरान कहता है हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है, हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोग तुमसे सवाल करेंगे तुम तक ही ये बात है, ये बात गलत है, इससे तुमसे पहले 1,24,000 पैगंबर आए, हर नबी को हमने यही वही की है। हमने यही वही की है, बस तुम लोग मेरी बंदगी करो, ये बात कही गई। यानी मतलब क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो पैगाम आया वो एक ही नौयत का पैगाम था,
दुनिया की शुरू से लेकर आखिर तक एक ही पैगाम है, अल्लाह कौन है, वो एक ही है, एक ही खुदा, खुदा है वाहिद, और कोई खुदा नहीं। खुदा कौन है? एक ही खुदा जो बेनियाज है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसकी बंदगी जरूरी है, जो रहमान है, रहीम है, जो हमेशा पैदा करते रहता है, हमेशा जो ना उसका ख्याल रखता है। रहमान का सिगा मुसलसिल पैदा करते रहना, कभी रुकी नहीं उसकी पैदाइश। रहीम का सिगा हमेशा वो जिसको पैदा किया उसकी निगरानी करते रहना, निगेबानी करते रहना। जब इस आयत में तस्किरा आया कि दूसरे रसूलों को ये बात कही गई है, अब मुसलमानों के लिए मौका है। अगर वाकई ये बात है, जितने मजाहब दुनिया में उनकी किताबों में तो ढूंढो, आखिर है या नहीं है ये चीज, कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि कुरान तो या अय्युन्नास बोल के आया है, लोगों से मुखातिब है। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आया, सिर्फ कुरान तो सारी इंसानियत के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए, सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मुसलमानों के नबी नहीं है, सारे इंसानों के नबी हैं। तो ये अमानत आपके पास है। अब ये शहादत, ये गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दे दी मैदान अरफात में, अब ये गवाही आपको भी देना है मैदान हशर में। यही बात मैदान हशर के ताल्लुक से जो कही गई वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मेरी उम्मत मैदान हशर में एक ऊंचे टेले पर खड़ी रहेगी और सारे लोगों को देखती रहेगी, और उस वक्त तमाम दुनिया के लोग ये चाहेंगे कि काश हम उनमें होते। नबियों को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा क्या तुमने अपनी उम्मत को बात बता दी? नबी कहेंगे कि हाँ हमने बात बता दी। उम्मत इनकार करेगी, नहीं हम तक ये बात नहीं पहुंची, ये गलत बोल रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा कि है तुम्हारे पास कोई शहादत कि बात पहुंचा दी गई? अंबिया कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत शहादत देने वाली। और ये शहादत देंगे कि नबी ने हक के रिसालत अदा किया, इसीलिए इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि दूसरों तक बात पहुंचाएं। जरा सा हम इसको देख लें कि आया हमारे पास जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें कोई ऐसी बात है क्या? अल्लाह ने गवाही दी है क्या? न्यू टेस्टमेंट में कोई ऐसी बात है क्या? हमें पता चलता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में भी बात है। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, योल नबी हैं बनी इसराइल के, और योल एक चैप्टर भी है ओल्ड टेस्टमेंट में, उसके चैप्टर में दूसरे बाब में 27 आइटम, उसमें योल नबी से अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहा है कि मैं तो तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूं, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। जैसे इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वही बात यहीं भी है। यहां पर यशया नबी हैं 45:5-6 में, अगर आप जाएं यहां भी यशया नबी में भी अल्लाह ताला ये कहता है, मैं ही खुदावंद हूं और कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इस्तिस्ना डिटोनोमी में अल्लाह ताला खुद फरमाता है उनकी तरफ से, सो अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूं और मेरे साथ कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता हूं
मैं ही जलाता हूँ, मैं ही जख्मी करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ, और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। कुरान दूसरी किताबों की तस्दीक करने के लिए आया है, कुरान दूसरी किताबों की तकफीर करने के लिए नहीं आया। मुसद्दिक़ लिमा बैना यदई, सारी आसमानों की किताबों की तस्दीक करता है। इसीलिए इसमें यह भी कहा जाता है लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम इन फरीकम मिनहुम लयक्तुमुल हक वहुम यालमून। जिन लोगों को हमने किताबें दी हैं, इस कुरान मजीद को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि वो अपनी औलाद को पहचानते। मतलब के पैगाम ये की है अल्लाह के एक होने का। ये और बात है कि जो अहले इल्म उनके हैं, उन मजाहिब के लोग जानते बूझते ये बात को अवाम से छुपाते। सैमुअल नबी, सैमुअल में दाऊद अलैहिस्सलाम, ने क्या कहा, सुतुआए खुदा खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है उसके मुताबिक कोई तेरे मानिंद नहीं है और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। नबी की शहादत, आसा नबी की शहादत भी वैसी है। और आसा ने खुदावन अपने खुदा से फरियाद की, तबारीख यानी क्रॉनिकल 14:1-11, आसा ने खुदावन अपने खुदा से फरियाद की, ऐ खुदावन जोरावर और कमजोर के मुकाबले में मदद कर, तेरे सिवा कोई नहीं है खुदावन हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से उस अंबों के सामने करने आए हैं। तो ऐ खुदा तो हमारा खुदा, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने वाला नहीं है। हालत जंग में दुआ करते हुए, बड़े कसीर इज्तिमा में कमज़ोर लोग दुआ करते हुए कहने कि अल्लाह अगर तू मदद ना करे हम तो बचने वाले नहीं हैं, तू ही कमज़ोरों के खिलाफ गालिब आएगा। इन दुआओं को गौर से देखिए और ग़ज़वे बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को देखिए। अंबिया की कैफियत एक ही है, एक ही तरीके की, मगर इन्होंने इस हकीकत को छुपा दिया है। खुदा तो एक ही, और तो और ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है। पॉल क्या कहते हैं, सेंट पॉल जो आज की क्रिश्चियनिटी के सबसे ज्यादा जानने वाले, जिनके पीछे सारी क्रिश्चियनिटी चलती, जिन्होंने अकीदे तस्लीस की भी बात की कि तीन खुदा हैं, मगर उन्होंने कुरंथियन को जो खत लिखा 1 Corinthians 8:6 में क्या लिखा, अकीदे तस्लीस नहीं लिखा उन्होंने, आज भी मौजूद है न्यू टेस्टामेंट में। हमें कुरान के हवाले देने की जरूरत नहीं है, खुदा कौन है अगर जानना चाहें तो उनके न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है क्या कहते हैं वो। लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसके लिए। और ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या नबी कहा, एक ही खुदावन यानी यीशु मसीह जिसके वसीले से सब चीजें मौजूद हैं, यानी अल्लाह और हमारे दरमियान का जो वसीला है वो यीशु नबी है। मगर खुदा तो एक ही है, ये कौन कहें, पाल कहें। आज भी उनकी किताबों में मौजूद है। तो इन चीजों से अगर हम जाने तो हमें पता चलेगा, अगर थोड़ी सी नजर, ज्यादा नजर नहीं, तफसीली नजर डालना हिंदू मत पे, सरसरी तौर पर आपको बोलते गुजर जाऊंगा। हिंदू मत एक सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह वो सुनान पर तफसीली बात करेंगे।
मगर हिंदू मत में भी ऐसी बात है। डॉक्टर राधा किशन ने अपनी किताब इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 पेज 113 पे क्या लिखा है, डॉक्टर राधा किशन हिंदुइज्म पर बड़ी अथॉरिटी रखते, उन्होंने क्या लिखा है हिंदू मत पर, इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 पेज 113 पर, मौत के बाद की जिंदगी के सिलसिले में आर्या कोई मखसूस अकीदा नहीं रखते। आवागमन का नजरिया अभी दूर था, यानी पुनर्जन्म का फलसफा अभी दूर था, इस पर वो यकीन नहीं रखते थे। आगे चलकर जरा तफसील बताते, उन्होंने जिस पे खत्म किया वो ये है, आर्या मौत के बाद एक ही जन्म के कायल थे, यानी मौत के बाद उठाए जाने के कायल थे, जैसे कि मुसलमान कायल है मैदान हशर आखिरत की जिंदगी, उसी पे कायल थे आर्या भी। ये राधा किशन ने इसका एतराफ किया। ऋग्वेद की इबारत है, हमारे नानक सिंह नश्या साहब भी मौजूद है यहां पे, बड़ा मशहूर श्लोक है, संस्कृत तो आती नहीं, कोशिश कर लेता हूं, गलती हो तो माफ करना, संस्कृत का मैं पंडित नहीं हूं। उसका है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बड़ा मशहूर श्लोक है ऋग्वेद का, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब क्या है ऋग्वेद में, खुदा एक ही है, खुदा तो एक ही है, ऋषि इसको कई नाम से पुकारते हैं, ऋषि का तस्वुर उनके पास पैगंबरों का तस्वुर, ऋषि इसको कई नाम से पुकारते हैं मगर खुदा तो एक ही। और स्वामी दयानंद सरस्वती तो हमेशा तौहीद के कायल थे, उन्होंने कहा कि जो दूसरे नाम भगवानों की शक्ल में दिए जा रहे हैं वो नाम दरअसल खुदा की सिफात हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि खुदा के 100 सिफात हैं, फिर उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव का जो नाम है 2 मर्तबा आ गया, इसीलिए खुदा के सिफात 99 होते हैं। ये हमारी कुरान मजीद से बहुत मुताबिक रखने वाली, खुदा के 99 नाम। मैं किसी किताब की तस्दीक नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कौन सी चीजें कहां हमारे से मिलाप हो सकता है, गुफ्तगू कर सकते, इख्तलाफ को कम कर इत्तेफाक की बात पर कहां से गुफ्तगू की इब्तिदा हो सकती, कौन सी चीज सवाम बैन कलमतन सवाम बैन न बैन कुम हो सकता है, झगड़े की क्या बात, कोई ऐसी कल में इत्तेफाकियां निकालिए जहां से हम बात तो शुरू कर सकें, मिलके बैठ तो सकें, हम भी आदम की औलाद है, सो भी आदम की औलाद है, मिलके बैठ तो सके, गुफ्तगू तो हो सके, मैं ये बता रहा हूं। और एक डॉक्टर ताराचंद हैं जिन्होंने बड़ी मशहूर किताब लिखी है जिसके रेफरेंसेस बहुत लिया जाते हैं, उनकी किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एन इंडियन कल्चर, बड़ी मशहूर किताब डॉक्टर ताराचंद की। उसने वेदक नजरे का वेदक धर्म का तारीखी मवाद उन्होंने पेश किया, इब्तदाई तौर पर वेदक धर्म को उन्होंने पेश किया, उसमें इब्तदाई नुक्ते नजर क्या था वेदक धर्म का, उसके बाद वेदांत कैसे हुए, उसके बाद जो बिगाड़ पैदा हुआ, अब प्राण का सिलसिला, रामायण का सिलसिला, भगवत गीता का सिलसिला, अब वेदक धर्म तो रुखसत हो गया, अब हिंदू फलसफे हैं, मानो वेदक धर्म के वेदक धर्म को उन्होंने लेकर बात की है इसमें, तो उनका एक इख्तिबास में पढ़ता हूं, जरा सुनने के काबिल है। उन्होंने लिखा है वेदक नजरिए का तारीखी मवाद कुछ भी हो, वेदक नजरिए का तारीखी मवाद कुछ भी हो, वो अपनी पुख्ता शक्ल में एक उम्दा फलसफियाना सिस्टम है, चाहे कुछ भी हो मगर फिलोसफिकल आउटलुक उसमें नजर आता है। इस सिस्टम में जो पिन पॉइंट मरकजी हैसियत है इस फलसफे में उसको जरा गौर से सुनिए। इस फलसफे की जो मरकजी हैसियत है वो क्या है, एक बालातर हस्ती, यानी उस हस्ती से बड़ा कोई नहीं, आखिरी हकीकत के तौर पर सामने आती है, यानी वही आखिरी हकीकत, उससे बड़ी कोई हकीकत नहीं, वो एकम एक ही शख्सियत है, कोई उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, खालिक वही है,
प्रजापति वही है। वाजिबुल वजूद यानि सारे वजूदों को खातिर में लाने वाला या लाने वाला वही है। ब्रह्मांडर यानी पैदा करने वाला भी वही। माँ वराय अदराक है, उसको समझा नहीं जा सकता, इंसानी अकल उसको समझ नहीं सकती, सोच नहीं सकती, तसव्वुर में नहीं ला सकती, क्या है नहीं मालूम, छू नहीं सकती, देख नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। महावरा अदराक है, हमारी अकल से महावरा है, अकल में आता ही नहीं वो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कोई है ही नहीं जो मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके। महावरा अदराक, समझ में नहीं आता कोई भी चीज को, मगर कायनात का खवाम है, कायनात को कायम करने वाला है। कितनी कायनात है नहीं मालूम, मगर सारी की सारी कायम करने वाला उन्हें वो एक ही है, वो बालातर हस्ती, और कोई दूसरा नहीं है। दस्तगीर वही है, रब वही है, हर एक की जरूरतों को पूरा करने वाला वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। आप हाजतमंद है, हाजत को पूरा करने वाला वो है, वो बेनियाज है, सबके नियाजों को पूरा करने वाला वही है। ऐसी दस्तगिरी उसकी है, हर एक को जोड़ लेता है, हर एक से मोहब्बत करता है, हर एक की तड़प को दूर करता है, हर एक की मुसीबतों को दूर करता है, गम में काम आता है, खुशियों को दोबाला करता है, और जो भी ख्वाहिश तुम्हारी हो, जायज ख्वाहिश, नाजायज नहीं, जायज ख्वाहिश, जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो, इंसानों की फलाह बेबुदी के मुताबिक हो, तुम्हारे अच्छे के मुताबिक हो, उसको पूरा करने वाला भी वही एक। और इसको लिखा है डॉक्टर ताराचंद, किताब की शक्ल में आज भी मौजूद है हिंदुस्तान। ये दरअसल इस मौजू को मैंने इसलिए छेड़ा, जब इतने सारे मसाइल हमारे पास हैं तो इन मसाइल को हल करने के लिए इन मसाइल को भी इस्तेमाल किया जाए, बैठकर गुफ्तगू तो की जाए, बात तो की जाए। अगर वो खुदा एक ही है तो खुदा के खुदा को खुदा पर इत्तेफाक हो तो गुफ्तगू तो शुरू किया है, खुदा चाहता क्या है आखिर, वो खुदा चाहता क्या है वो तो गुफ्तगू की जाए। हमें क्यों बनाया है, हमारा मकसद क्या है, कि हम आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे की टांग खींचते रहें, एक दूसरे को कत्ल करते रहें, एक दूसरे के हुकूक को मारते रहें, जायजों जायज़ो नाजायज की कोई तमीज हमारे दरमियान ना हो, एक दूसरे को देखें तो मोहब्बत के बजाय दुश्मनी से देखें, हम समझे कि हमारा दुश्मन वो है, वो समझे कि हमारा दुश्मन ये है, हालांकि सब आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से बने थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान खुद कहता है तुम ये की बाप से पैदा हुए। या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुमुल रब्बकुम या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन औ निसा व तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। लोगो डरो उस अल्लाह से जिसने तुम्हें एक नफ्स यानी आदम से पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी पैदा की, फिर उन दोनों से कसीर तादाद में इंसानों मर्दों और औरतों को पैदा किया। यही नहीं, डरो उस अल्लाह से जिसने तुम्हारे दरमियान रिश्ते बनाए, बाप बेटे के रिश्ते बनाए, बहन भाई के रिश्ते बनाए, बेटी बीवी के रिश्ते बनाए। जिसने रिश्ते तुमको नजर आते हैं वो अल्लाह ही ने तो बनाए, तुम थोड़े ही बनाने वाले थे। और रिश्ते किस लिए बनाए, ताकि तुम एक दूसरे के हक को जानो और मानो और उसको पूरा करो।
दोस्ती का रिश्ता बनाया, पड़ोसी का रिश्ता बनाया, इंसान और इंसान का रिश्ता बनाया, एक ही खानदान के अफराद बनाया। गोरे काले का फर्क नहीं है, अमीर और गरीब का फर्क नहीं है, हर इंसान बराबर है। जाना जाएगा तो अपने तकवे के एतबार से जाना जाएगा। इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम्हें मुकर्रम बड़ा वो है जो अल्लाह से डरता हो। तो ये जो बात बताई गई है, ये रिश्ते को कायम करने की जरूरत है। और इसलिए जो लोग जानते हैं वो नहीं जानने वालों से बेहतर है, तो जानने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इनको बड़े सब्र से, मेहनत से, बर्दाश्त करते हुए काम करने की जरूरत है। आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा सबक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिम्मेदारी मुसलमानों को दी गई है। और जिम्मेदारी किन की? वो सब भाइयों की जो हमारे दरमियान है, उनको मोहब्बत से देखो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा तरीक़ेकार था, जब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप कुड़ते थे, ये तो जहन्नुम की तरफ जा रहा, जहन्नुम की आग में जलेगा, मेरा भाई है ये नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं, उसको दोजख से बचाने के लिए, उसको आग से बचाने के लिए आप तड़पते थे। जिस पे कुरान ने खुद कहा गया, या नबी के अपने आप को हलाक कर लोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते, तुम्हारी बात नहीं सुनते। वो जज्बा मुसलमानों में पैदा होने की जरूरत है, और वो उसी वक्त हो सकता है जब खुदा कौन है खुदा को जाने और खुदा को माने। इंशाल्लाह ये मामला तो हुआ है, इसके बाद खुदा की सिफात आएंगी जिस पे इख्तलाफात हो सकते हैं। खुदा कौन है मालूम है, खुदा के कौन है पे इत्तेफाक हो सकता है, मगर खुदा की सिफात में बिगाड़ हो रहा है। झगड़ा कहाँ हो रहा है? खुदा की सिफात में बिगाड़ हो रहा है। वो क्यों बिगाड़ हो रहा है? आया उनकी किताबों ने ये कहा है या लोगों ने घड़ लिया है? उसके हवाले देंगे, कुरान क्या कहता है सिफात में और दूसरी किताबें क्या कहती हैं सिफात में, या लोगों ने घड़ लिए सिफातें? क्योंकि हमारा जो कसौटी रहेगी वो किताबें रहेंगी, ना मेरा नुक्ते नजर रहेगा ना उनका नुक्ते। किताब क्या कहती है? जो मजहब है मजहब की किताब क्या कहती है अल्लाह की सिफात के बारे में? अगर मैं अमल नहीं करता हूं तो अलग बात है, मैं गुनहगार हूं, मगर किताब गलत नहीं हो सकती। हम बात करेंगे किताब की कि किसी मुसलमान के अमल की बात नहीं करेंगे, या किसी दूसरे आदमी दूसरे हमारे जो दूसरे भाई हैं उनकी बात नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। अगर उनमें कोई अच्छा का अमल कर रहा है तो हमारी सर आंखों पर उसकी बात करेंगे। तो सिफात पे इंशाल्लाह इस पे बात होगी, और हो सका तो कभी इंशाल्लाह कभी तफसील से हिंदुइज्म है क्या चीज़, कहाँ से आया, किधर गया, वैदिक धर्म क्या था, वेदांत क्या हुए, उसके बाद आज जो ज़्यादातर मशहूर चीज़ें चलती हैं वो पुराना चलती हैं, और भगवद गीता और राम चलते हैं, वैदिक धर्म तो बिल्कुल जानने वाले उसके बहुत कम हो गए। तो आज के हिंदू माहौल में हिंदू धर्म किस दुनिया कैसा जा रहा है, ताकि हम उनसे बात करने के लिए हमको कुछ माहौल तो मिले, कुछ ऐसी गुफ्तगू तो कर सके। कहाँ से शुरू करें हम गुफ्तगू करें तो नहीं, रामायण में क्या लिखा है, कौन सी रामायण क्या कहती है, वाल्मीकि की क्या कहती है, तुलसीदास की क्या कहती है, भगवद गीता में क्या 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 चीज़ें हैं, वो कम से कम सामने आ जाए तो हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसी हो रही है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम पर जो जिम्मेदारी दी गई डाली गई है उसको पूरा करने की भी अल्लाह ताला हमको सामान मुहैया करे, और हमारे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शर से खैर पनाह मांगी अल्लाह ताला उस शर से हमें बचाए, जिस खैर के लिए दुआ की अल्लाह ताला उस खैर को हमारा दामनगीर कर दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा व इन्नका अंतल वहाब। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।